हेमराज सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि अपना अपने टाइम और हमारी एजुकेशन जो इनके टाइम थी और हमारे टाइम की एजुकेशन में हमें डिफरेंस बताया कि इन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने माइग्रेशन टाइम पे ये फर्स्ट क्लास 1952 में थे। तो देखिए हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाए, तो जैसे कि सर ने अपनी एजुकेशन के लिए बताया, तो मैं एक अपनी सोच बताना चाहूँगा कि एक अदर अनदर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता तो हमारा देखने का नज़रिया, हमारा वर्ल्ड कुछ और ही टाइप का होता। कि देखिए जैसा कि आपने सुना होगा कि जब एडमिशन्स होती हैं तो बहुत से स्कूल क्या करते हैं कि बच्चों के घर जाते हैं तो अपनी स्कूलों की तारीफें होती हैं कि हमारी एजुकेशन ऐसी है, हमारा कोई भी बच्चा फेल नहीं होता, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो SST है। तो इधर का तो पता नहीं, जम्मू बहुत से ऐसे बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ ऐसा होता है। इनफैक्ट आई वांटेड टू मीट हिम पर्सनली फॉर दिस एंड से हेलो टू हिम। आई डोंट वी नेवर मैट बट इज अ कोइंसिडेंस that we met on phone first and then I came here personally to say hello to him and to all of you as well. In fact, not many faces are quite familiar to me. And I wanted to congratulate you for this vital venture. NSS camp is really of great value. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारे जो NSS कैंप में हमारे वार्ड नंबर 12 के जो वार्ड मेंबर हैं सुरेश जी, वो हमारे साथ शामिल हैं और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने भी अपना योगदान देने की हमारे साथ हमारा अपना योगदान देंगे हमें। तो आज इन्होंने ये तय किया है कि हमारे कॉलेज में जो जो डेकोरेशन का सामान है वो ये प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप इनसे खुद बात कर लीजिए कि ये आगे आगे इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और आज का आगे क्या प्रोसेस रहेगा। पहले तो मैं सबको नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कल से डिग्री कॉलेज शुरू हो रहा है और नया साल सबको मुबारक। कल मुझे मैसेज मिला था कि डिग्री कॉलेज नए साल पर शुरू हो रहा है तो यहाँ कुछ थोड़ा होना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि बिल्कुल जो बच्चे यहाँ स्टूडेंट आएंगे उनका वेलकम होना चाहिए। मेरी तरफ से ये था कि भाई यहाँ वाटिस कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए, सिस्टम हो जाए। फिर मैंने ईओ साहब से बात की और अपने जो म्यूनसिपल्टी के नरेंद्र जी चेयरमैन साहब हैं उनसे बात की, तो हमने यहाँ स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रोग्राम रखा है। वो विद इन डेज यहाँ के जो इंचार्ज प्रिंसिपल साहब हैं वो हमें लेटर दे देंगे, तो ताकि हम यहाँ एक अच्छा सा एक स्वच्छ भारत का प्रोग्राम करें, ताकि यहाँ से डिग्री कॉलेज से कोई मैसेज जाए बाहर, ताकि हम अपना जो साफ़ सुथरा वातावरण है उसको बना के रखें। मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर खलील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोग्राम ऑफिसर NSS गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि हमारे जो म्यूनसिपल्टी नौशहरा है उसके जो हमारे मेंबर हैं दर्शन नगर के, हमारे सुरेश जी, हमारा उनके साथ जब कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने अलॉन्ग विद टीम यहाँ पे हाज़िर हो गए। मैं उनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे कॉलेज, हमारा ही नहीं बल्कि हम सब का ये कॉलेज है, इसके लिए इन्होंने हमें योगदान दिया। मैं इनका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बच्चे जो 100 वॉलंटियर्स का एक हमारा यूनिट काम कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 5 जनवरी से हमारा ये कैंप स्टार्ट हुआ था, विंटर कैंप 7 डे, अब इसने 12
11 जनवरी को इख्तिताम होना है, उसके बाद हम म्यूनसिपलिटी की ओर से एक प्रोग्राम यहाँ पे रख रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, तो उसके लिए हम इनको इनविटेशन देंगे और वो प्रोग्राम भी हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज होगा डेफिनेटली।